अपवर्तन एच ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि जब कभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में या त्रिकोणमिति में दो भुजाएं दी गई होती है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। यहां भी सेम चीज करेंगे, यहां P और H दे दिया है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग V का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम लोग अगला स्टेप चलेंगे। तो यहां जब हम लोग तुलना कर रहे हैं तो यहां आ रहा है P बराबर 3 और H बराबर आ रहा है 4। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात ये होगी कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग एक नियतांक लेते हैं। यहाँ आपको k लेना होगा, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ मैं k ले रहा हूँ। तो साइन a बराबर दिया है 3/4, मतलब साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, तो बराबर में p बटे h लिख दिया। p का मतलब ये 3 हो गया, तो 3 आपको नियतांक k ले लिए हैं, तो p बराबर हो जाएगा 3k और h बराबर हो जाएगा 4k। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग b का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर होता है, अर्थात h² = p² + b² वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि h² = p² + b² और इस प्रकार से जिसका वैल्यू दे दिया उसका मान रखेंगे, जो बचेगा वो खुद निकल जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पर निकला है 4k, यहाँ 4k रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ देंगे, इक्वल टू ये p का वैल्यू हो रहा है यहाँ पे 3k, तो 3k कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का वैल्यू ही निकालना है इसलिए b को छोड़ देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ देंगे। इसके बाद अब अगले स्टेप में हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 16 × 4 = 16, k स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3 का करेंगे तो 3 × 3 = 9, ये 9 हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 16 k² दे दिया है, ये इधर 9 k² प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 9 k², तो उधर क्या बच गया था, केवल इधर बच गया बी स्क्वायर। अब इस प्रकार से ये हम देखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 k में से 9 k घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7 k² और उसके बाद बच जाएगा इधर बी स्क्वायर। और इस 7k को हम लोग रूट से 7k का होल स्क्वायर कर देंगे, यदि रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा, इस प्रकार 7k स्क्वायर को हम लोग रूट 7 इनटू k लिख सकते हैं, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर छोड़ देंगे, इधर बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इस प्रकार से इधर बच जाएगा बी और इधर बच जाएगा रूट में, इधर रूट में बच जाएगा 7k, तो इस प्रकार से बी का वैल्यू निकल गया तो बी बराबर आ गया 7k। अब ध्यान देना होगा, यहाँ हम लोग को मान निकालना था कौशी और टैने का, मान निकालना है कौशी और टैने का, मान निकालना है कौशी और टैने का, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले PBH निकाल लिए, P का वैल्यू दे दिया है, H का वैल्यू निकाल लिए थे, उसके बाद हम लोग अभी B का वैल्यू निकाले हैं। अब निकाल रहे हैं cos A बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर लिखा है b/h, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो यहाँ ऊपर मैं कर देता हूँ b और नीचे रहेगा h, b का वैल्यू रखेंगे, b है यहाँ पे सॉरी ये b है रूट में 7k, तो यहाँ कर देंगे रूट 7, आ k है तो k, अब बता में h, h का वैल्यू यहाँ पे है 4k, तो नीचे लिख दिया जाएगा 4k, ये k से k कैंसिल, ऊपर हो जाएगा रूट में 7 और नीचे हो जाएगा केवल 4। तथा इसके बाद दूसरा ये निकालना है tan a, cos a का मान हम लोग निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे tan a, तो tan a को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ tan a, और tan थीटा बराबर आपको पहले ही लिखवा दिया गया है, tan थीटा बराबर p/b, दोनों का वैल्यू रखेंगे, यहाँ p का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, p का वैल्यू है 3k, तो 3k रहने देंगे, बता h ये है b, तो b का वैल्यू यहाँ पे है रूट में 7 और ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे बच जाएगा रूट में 7, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे cos के बराबर √7/4 और tan के बराबर 3/√7। चलिए तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ दे दिया है 15 cot A, ध्यान देना होगा 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, cot A का मान निकालेंगे, cot A का मान निकालते हैं, ये बराबर रहेगा 8,
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मार्क है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ आएगा तो ये गुणा में, इधर आएगा तो भाग में जाएगा। cot थीटा बराबर लिखवाए थे b बटा p, cot थीटा बराबर होता है b बटा p, तो इसमें हम बराबर में कर देंगे b और बटा में कर देंगे p, सामने सामने देखेंगे तो यहाँ b का मान आ रहा है, b का मान आ गया 8, और इसको हम रुकिए मान रहे हैं, नितान बता चुके हैं कि हम रुकिए तक लेते हैं, तो b बराबर ले लेंगे 8 के, तथा ये p का मान आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा 15 के। अब फिर वही काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, यहाँ p और b दे दिया है तो हम h का मान निकालेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखते जा रहे हैं कि होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए जब कभी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा को सबसे पहले ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में लगा रहा हूँ, एच का ही मान ज्ञात कर रहे हैं, छोड़ देंगे एच स्क्वायर आ जाएगा बराबर पी, पी का वैल्यू रख देंगे, पी बराबर 15 के, तो 15 के रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, चलिए प्लस बी है, बी का मान रख देंगे 8 के मैंने लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद यहाँ करेंगे 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 होता है 225, के का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, के का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा के स्क्वायर, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 289 के स्क्वायर है तो के स्क्वायर ले देंगे। हम लोग मान निकाल रहे हैं एच स्क्वायर का, एच स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर आ गया 289 के स्क्वायर, इसको हम चाहें तो 17 के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 289 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एच का अब मान निकल गया, ये इधर भी स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा एच, इधर बच जाएगा केवल 17 के। तो इस प्रकार से यहाँ भी पी बी एच का मान ज्ञात हो गया, तो इस प्रकार पी का मान ये पहले ही पता है 15 के, बी का मान भी पता है पहले ही से पता है 8 के, तो 8 के लिख देते हैं, तथा अभी हमने निकाला है एच का मान, तो एच का मान आया है 17 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 17 के। अब निकालेंगे यहाँ मान निकाला है हम लोगों को साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, ये हो गया पी और नीचे हो गया एच, मान रखेंगे पी का मतलब ये हो गया 15 के, तो 15 के छोड़ देंगे, एच का मान हो गया तो यहाँ 17 के, तो 17 के छोड़ देंगे, ये के से के खत्म हो गया, ऊपर बच गया 15 और नीचे बच गया 17, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको निकालना है ये दूसरा निकालना है सेक के, तो सेक के निकाल रहे हैं, तो सेक थीटा बराबर होता है कि एच बट्टा बी, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी, मान रखेंगे एच का मान है यहाँ पे 17 के, एच की जगह पर रख देंगे 17 के, बट्टा बट्टा बी का मान है 8 के, तो यहाँ लिख देंगे 8 के, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 17, नीचे बच जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये दे दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये दे दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ये दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी। फिर वही काम करेंगे, इसका हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 के, तथा अब बी का यहाँ कंपेयर करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 12 के, तो बी बराबर मैं लिख देता हूँ 12 के, सेम काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उन लोग पी का मान ज्ञात करेंगे, वही काम करते जा रहा हूँ। फिर मैं लिखूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय वही फिर होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं
के बराबर होती है, अर्थात एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मान हम यहाँ पुट करेंगे, ये एच एच यहाँ मैंने निकाला था, एच बराबर क्या था, एच बराबर था 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 के है तो यहाँ के लिख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। चलिए इक्वल टू ये पी है, पी का भी वैल्यू पी ही को निकालना है ना, तो पी को छोड़ देंगे, पी की जगह पी ही छोड़ देंगे। ये बी बी का वैल्यू रख देंगे 12 के है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 13 का 13 में गुणा कर देंगे हम, तो 13 होता है 169, के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस, ये देखिए ध्यान देना होगा थोड़ा यहाँ से, तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12 है 144, तो यहाँ के का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। पी को उधर ही छोड़ देंगे क्योंकि पी का ही मान गया करना है, तो पी स्क्वायर को छोड़ दिए, इधर आएंगे, इधर आएंगे ये है 169 के स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर छोड़ देंगे, 144 के स्क्वायर प्लस में, इधर हम लोग इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, तो ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर। या अब यहाँ पर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, के स्क्वायर तो के स्क्वायर छोड़ देंगे, और इधर बचेगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को जैसे के तैसे लिख देंगे। फिर वही चीज जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, 25 को लिखेंगे 5 के और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे होता है 25, अर्थात 5 अर्थात 25 के का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर छोड़ देंगे। फिर सेम चीज इधर बच गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा पी, यहाँ बच जाएगा 5 के, तो पी का मान आ गया 5 के। तो इस प्रकार हम लोग तीनों चीज तीनों वैल्यू मान हो गए, पी का माना यहाँ आ गया, पी का वैल्यू आ गया 5 के, 5 के छोड़ देंगे, बी का वैल्यू है यहाँ पे, बी का वैल्यू है 12 के, 12 के छोड़ देंगे, तथा ये एच का वैल्यू यहाँ है, कहाँ है, तो एच का वैल्यू है 13 के, तो इसको हम छोड़ देंगे, 13 के लिख देंगे, और इस बात को बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि सेम ठीकता बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोण वित्तीय अनुपातों का नाम परिकलित कीजिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके पी बी और एच का मान ज्ञात कर लिया है, अब हम लोग बनाएंगे, और सेक थीटा का अलावा जितना होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक को दे दिया है, इन पांचों का मान निकालेंगे। सबसे पहले मैं मान यहाँ निकालने जा रहा हूँ साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यहाँ वैल्यू रखेंगे पी का वैल्यू रखेंगे, पी का वैल्यू है 5 हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, एच का वैल्यू है 13 के, तो 13 के छोड़ देंगे, कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 13। उसके बाद निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है b बटा h, तो b बटा h हो गया, ये b का मान रख देंगे, b का मान है 12 के, तो 12 के छोड़ देंगे, h का मान है 13 के, तो 13 के लिख देंगे, इसको काट देंगे, ऊपर बच गया 12, नीचे बच गया 13, और इसके बाद से आता है tan थीटा, तो tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, तो मैं पी बट्टा बी लिखूंगा, ये हो गया पी बट्टा बी, पी का वैल्यू रखेंगे, पी का वैल्यू मान में यहाँ पर कितना है 5 के, तो 5 करने देंगे, और यहाँ बी, बी का वैल्यू है यहाँ पे 12 के, तो 12 के छोड़ देंगे, इससे के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 5 और नीचे बच जाएगा 12। इसके बाद आता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, बी बट्टा पी मैंने लिख दिया, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू है 12, तो ऊपर हो जाएगा 12 के है तो के रहने देंगे, और p p का वैल्यू है 5 के, तो 5 के नीचे लिख देंगे, ये k से k कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 12 और नीचे बच जाएगा 5। इसके बाद sec तो दे ही दिया है, sec तो लिखना नहीं है, तो लास्ट ही बच गया, तो लास्ट का हम लोग तथा में करके लिखेंगे, cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होता है h बटा p, h बटा p रख देंगे, h का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू है 13 के, तो 13 के हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा यहाँ p, p का वैल्यू है 5 के, तो 5 के हो जाएगा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 13 और नीचे बच जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स हुए कि साइन थीटा बराबर 3/5/13, cos थीटा बराबर 12/13, tan थीटा बराबर 5/12, cos थीटा बराबर 12/5 और cosec थीटा बराबर 13/5, इसको हम बोल देंगे आंसर, ये हमारा सटीक और अच्छा है आंसर। चलिए तो ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए और बी, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो, तो दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होगा। इसके लिए सबसे पहले एक हम संपूर्ण
की वह त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण है, कि ये मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखेंगे कि माना कि वह त्रिभुज, माना कि वह त्रिभुज, वह त्रिभुज ए बी सी है जिसमें जिसमें कुर्सी कुर्सी बराबर ये 90 डिग्री का है, कुर्सी बराबर 90 डिग्री का है। अब बनाते हैं, ये क्या दिया है, तो दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ लिखेंगे इसको कि कॉस ए बराबर कॉस बी, लिखेंगे कि चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब चलिए, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, ये यहाँ पर ए है, ये भी ले लेंगे, आपको पहले ही पता है ये एच हमेशा कंफर्म है कि एच यही रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वही एच होगा, लेकिन पी और बी बदलते रहते हैं, जिस एंगल को कहेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह होगी पी और ये एच रहेगा, और जो बचेगा वो हो जाएगा बी। ये ए के लिए यदि हम ध्यान दें तो ए के लिए ये होगा पी, ये होगा बी और ये होगा एच, तो होता है बी बट्टा एच। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए सी बट्टा ए बी, लिखेंगे इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ए सी बट्टा ए बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, तो बी का मतलब है ए सी, एच का मतलब ए बी, छोड़ दिए, बराबर ये है कॉस बी। अब कॉस बी के लिए देखेंगे कॉस बी बराबर क्या होगा, तो ये बी बट्टा एच मतलब ये ए बी बन जाएगा और एच में ये रहेगा ही रहेगा, तो ये बी बन जाएगा, बी मतलब हो जाएगा बी सी और नीचे ये रह जाएगा एच, एच मतलब हो जाएगा ए बी। अब इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर यहाँ बच जाएगा ए सी और यहाँ बच गया इधर, इधर की तरफ बच गया बी सी, मतलब ये हो गया ए सी और ये हो गया बी सी, ए सी और बी सी बराबर हो गया। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्लास नाइन्थ में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अथवा केवल सम्मुख कोण बराबर हो तो वे दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, मतलब यदि दो कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और यदि दोनों भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने वाला जो कोण हो जाएगा बी और इसके सामने वाला जो कोण हो जाएगा वो जाएगा ए, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात ए सी की जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोण बी, कोण बी लिख सकते हैं, और यहाँ बी सी, बी सी की जगह पर लिख देंगे कोण ए, यहाँ कोण ए लिख सकते हैं। कारण लिखना हो तो यहाँ कारण लिख सकते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और इस पर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये इसका रीजन हो गया कि क्या हम लिखे हैं एसी की जगह पर कोण बी और बी सी की जगह पर कोण ए, तो चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए एसी की जगह पर कोण बी लिख देंगे, क्योंकि एसी का सम्मुख भुजा बी, सम्मुख कोण बी है, और बी सी की जगह पर ए लिख देंगे क्योंकि बी सी का सम्मुख कोण ए है। अब हम क्या करेंगे कि यही कोण ए को पहले ले लेंगे और कोण बी को कर देंगे बाद में, यही साबित करना था, इस प्रकार हो गया यह प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोग आज देखे हैं इस वीडियो में, देखे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक का सोल्यूशन आज रहा। इस प्रकार हम लोग क्लास 10th का ये एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन देख रहे हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बनाना चाहता हूं और ये पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक आता है तो हमको लगता है कि समाज के लोगों को ऐसी वीडियो की आवश्यकता है और इस प्रकार से ऐसे वीडियो बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ।